तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंदौरी मनोरंजन पर। और हम लोग जा रहे हैं कालाकुंड, और आज हमारे साथ में जो पलटन है तो आज हमको हमारे जो जय भाई साहब हैं वो बताएंगे कि हम किस रूट से जाने वाले हैं। हाय इंदौर, तो आज हम सब जा रहे हैं कालाकुंड, जो कि रास्ता है, आपने देखा होगा, आईटी पार्क। अभी फिलहाल हम आईटी पार्क पे खड़े हैं। आईटी पार्क से आपको सीधा महू का रोड लेना है, मतलब यहाँ से राजेंद्र नगर, राऊ और महू। महू के बाद एक शॉर्टकट जाता है, एक पादल पानी का रास्ता जाता है, और एक रास्ता और जाता है जो कि बंडा बस्ती से होता हुआ एक छोटे मोटे गांव है भगोरा, भगोरा से होता हुआ सीधे कालाकुंड जाता है। तो आज हम उसी रूट से कालाकुंड जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रास्ते में, जो रास्ता कुछ इस प्रकार का है। देखिए, रास्ते में कोई भी नहीं दिखेगा आपको, और आपको जय जी आकर बताएंगे कि ये जगह कौन सी है और हम कितनी दूर है अभी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ तक पूरा पक्का रोड था, अब इसके आगे आप देख सकते हो कि वहाँ से कच्चा रोड स्टार्ट हो गया है, और आई थिंक 3 किलोमीटर और बचा है बस। अब इसके आगे आगे हम बस मस्ती करते करते पहुंच जाएंगे। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कालाकुंड। तो अमित, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। क्या आपको कालाकुंड में आकर कैसा लग रहा है? यार ऑसम जगह है। ये देखिए, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, अब इसके पीछे ये देखिए, रियल पहाड़। तो ये जो हम रास्ते से आए हैं वो आपको वीडियो में तो पता चल जाएगा कैसा रास्ता है। उधर से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मत आना। सबसे बेस्ट साधन तो यहाँ पर रहेगा ट्रेन का रहेगा। यहाँ पर दो तरह की ट्रेन चलती है, ठीक है, हेरिटेज वाली चलती है और एक हेरिटेज, हाँ हेरिटेज वाली चलती है और एक नॉर्मल चलती है। तो जो आपको बेस्ट लगता है आप हेरिटेज में भी आ सकते हो, वो थोड़ा लेट आती है, रुकते हुए आती है, बट आपको पूरा एकदम व्यू दिखाएगा। ये जो रेड ब्लॉक दिख रहे हैं ना, रेड वाले डब्बे, ये रेड डब्बे जो यहाँ पर, ये होटल से मतलब छोटे से होटल बने हैं, इनमें एसी भी है, टीवी वगैरह, सोफा वगैरह, मतलब बढ़िया सा रूम है। तो आप आए और अगर आपको रुकना है, स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पर, आप रुक सकते हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन और आकर ले सकते हैं। और बहुत अल्टीमेट जगह, आप चारों तरफ देख सकते हैं, एकदम ग्रीनरी है यार। इधर 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 जहाँ पर आप नज़र घुमाओगे आपको ग्रीनरी मिलेगी। और जस्ट अपोजिट, यानी कि स्टेशन के जस्ट पीछे आपको पूरा इतना पहाड़ और साथ में बहती हुई नदी। हाँ हाँ, अभी आप नीचे देखो एक बार, ये है हमारे सामने कलाकंद। तो कालाकुंड की सबसे फेवरेट स्वीट, सबसे प्रसिद्ध कलाकंद जो है यहाँ पे फेमस, तो उसके बारे में आपको हमारे दोस्त बताएंगे। ये हमारे दोस्त राहुल। तो आप ये बताइए कि कितने प्रकार के कलाकंद हैं आपके पास? दो प्रकार के हैं, एक कम मीठा, एक ज़्यादा मीठा। ज़्यादा मीठा है। और क्या इनका भाव? भाव एक पीस 10 रुपये का है। और ऐसे अगर किलो से लिए 285 रुपये किलो। किलो तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार, बहुत ही टेस्टी लग रहा है उनको देखने में, तो आप खा भी सकते हैं। जैसे कि मैं एक पीस उठाता हूँ ऐसे कलाकंद का, और ये बड़ा ही अच्छा लग रहा है मावी की। आप भी खा सकते हैं अमित जी, आप भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया लग रहा है।
तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? हमने तो बहुत इन्जॉय करा यहाँ पर, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कैसी है, शेयर कर देना। तो इंदौरी मनोरंजन पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आपको ऐसे ही नई नई जगह हम घुमाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।